सार्वजनिक समाज कल्याण समिति श्री योगेश जी व श्री विजय बंसल जी ने थाना अध्यक्ष श्री आर एस मीणा जी की विदाई समारोह और नए थाना अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा जी का स्वागत समारोह परमानंद भवन भजनपुरा में संपन्न हुआ। आज समिति द्वारा श्री योगेश सोलंकी जी व श्री विजय बंसल जी ने भजनपुरा थाना अध्यक्ष श्री आर एस मीणा जी का विदाई समारोह परमानंद भवन में संपन्न कराया। साथ ही भजनपुरा थाने में नियुक्त हुए नए थाना अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा जी का स्वागत समारोह भी कराया। इस अवसर पर गोंडा विधानसभा अध्यक्ष श्री अजय महावर, निगम पार्षद श्री प्रमोद गुप्ता, संस्था संचालक श्री विजय बंसल जी, डॉक्टर यू के चौधरी, संस्था संरक्षक दीपक कुमार, विनोद बंसल, उपाध्यक्ष श्री दिनेश सोलंकी, वरिष्ठ समाजसेवी शैलेंद्र सिंह, रतनलाल गर्ग, प्रेमचंद गोयल, रोहतास कश्यप, यश ढींगरा आदि मौजूद रहे। संस्था द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भजनपुरा थाने में नियुक्त नए थाना अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा जी का स्वागत मीडिया कर्मियों, संस्था संचालक व अन्य लोगों द्वारा किया गया। ये संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारी सार्वजनिक समाज कल्याण समिति है, उन्होंने जो हमारे एसोसिएट साहब थे पहले आर एस मीणा जी, उनका विदाई समारोह रखा और जो नए एसोसिएट साहब आए अशोक शर्मा जी, उनका स्वागत। दोनों इसलिए रखे गए कि दोनों का कार्यकाल बड़ा कम रहा हमारे एसोसिएट साहब का, और जिस टाइम का कार्यकाल रहा बड़ी विपक्ष समस्या रही उनके साथ में, और उन्होंने बाखूबी उसको निभाया और समाज के साथ रहकर पब्लिक के साथ रहकर समस्याओं का निवारण किया, तो बड़ा अच्छा रहा उनके साथ रहना यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि जहाँ भी वो जाएँ अच्छे रहें वहाँ पे और अपने कार्यकाल को अच्छे संभालें। और अशोक शर्मा जी से ये निवेदन रहेगा हमारा कि वो अपने कार्यकाल में यहाँ पे जब तक रहेंगे हमारी समस्याओं का समाधान करें और सब मिलजुल के साथ चलें और मीडिया के साथ और हमारे समाज के साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे। देखिए, थाने अध्यक्ष के आज पिछले पूर्व थाना अध्यक्ष की विदाई का समारोह था और जो नए भजनपुरा के अंदर थाना अध्यक्ष आए हैं उनके आगमन पर उनका स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा गया था। ये हमेशा होता आया है, जिम्मेदारियाँ बदलती हैं, परंपरा है, हमेशा बदलाव होता है, मगर आज कुछ खास इसलिए था कि जो पिछले थाना अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं लगभग 1.5 साल का कार्यकाल उन्होंने यहाँ पर बिताया है और उस 1.5 साल के अंदर लोकसभा के चुनाव भी उनके कार्यकाल में हुए, विधानसभा के चुनाव भी उनके कार्यकाल में हुए और उसके बाद CA का प्रदर्शन भी उनके थाना क्षेत्र के अंदर रहा। उसके बाद एक ऐसा विकराल रूप इस क्षेत्र का देखने के लिए उन्हें मिला दंगों के रूप में फरवरी के महीने में, और उसके बाद जो ये कोरोना नाम का एपिडेमिक चल रहा है, तो एक बड़ी विषम परिस्थितियों में पिछले थानाध्यक्ष महोदय ने कार्य किया है, तो उन सब विषय की चर्चा करते हुए नए थानाध्यक्ष महोदय से परिचय रहा और मुझे लगता है ये अच्छा एक स्वागत योग्य कार्यक्रम रहा। देखिए जी, बहुत बहुत